नेपाल में सरकार गठन को लेकर जारी गतिरोध अब खत्म हो गया है। माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रचंड को देश का नया पीएम नियुक्त किया है। बता दें कि प्रचंड ने रविवार को राष्ट्रपति भंडारी से मुलाकात करके पीएम पद पर अपनी दावेदारी पेश की थी। प्रचंड का दल माओवादी केंद्र नेपाल के संसद में तीसरी बड़ी पार्टी है। विपक्षी सीपीएन यूएमएलए और अन्य छोटे दल रविवार को नाटकीय घटनाक्रम में सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड को अपना समर्थन देने पर सहमत हो गए। इसके साथ ही प्रचंड के नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन यूएमएल सीपीएन एमसी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी और अन्य छोटे दलों की बैठक हुई। बैठक में सभी दल प्रचंड के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमत हुए।